कोलकाता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर अंतिम रोक लगा दी। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। और आपको बता दूं, ईडी ने बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि उसके अधिकारियों पर हमला करने के बाद अब वह भी आपराधिक आरोप का सामना कर रहे हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय से गुरुवार को संदेश खाली मामले में प्रतिवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एफआईआर पर अंतिम रोक लगा दी। 5 जनवरी को उत्तर 24 परगना के संदेश खाली इलाके में संघय एजेंसी के अधिकारियों पर तब हमला किया गया जब उन्होंने करोड़ रुपए के राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में ब्लॉक स्तर का तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के घर पर छापा मारा। पुलिस ने घर के कार्यकर्ता निदियार भास्कर मुल्ला के शिकायत के आधार पर ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने आरोप लगाया है कि संपत्ति परिसर से 1.35 लाख और अन्य सामान का दस्तावेज चोरी की गई है। नजर थाने में दर्ज एफआईआर में पुलिस ने आईपीएस की धारा 354 यानी महिला पर आरोप जताते के लिए हमला, 447 यानी आपराधिक अपराध और 379 यानी चोरी के तहत आरोप दर्ज किया था। ईडी ने बुधवार को कोलकाता हाई कोर्ट में प्राथमिकता के चुनौती देते हुए आरोप लगाया कि उसके अधिकारियों पर हमला करने के बाद अब वह भी आपराधिक आरोप का सामना कर रहे हैं। अदालत कक्ष में मौजूद एक वकील ने कहा, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा के एकल पीठ ने एफआईआर पर 31 मार्च तक अंतिम रोक लगा दी। अदालत 22 जनवरी को मामले की फिर से सुनवाई करेंगी। बशीरत पुलिस निदेशालय के पुलिस अधीक्षक उप अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी ने अपना बयान दर्ज करने के लिए उप निदेशक स्तर के ईडी अधिकारियों के कार्यालय गए। हालांकि पुलिस ने घटना में 3 एफआईआर दर्ज की है, जिनमें से एक ईडी अधिकारियों के खिलाफ है, लेकिन गुरुवार तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हालांकि ग्रामीणों ने मीडिया कर्मियों को बताया कि उन्होंने पहले शुक्रवार के हमले के शाहजहां को कई बार देखा था। भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी के नेतृत्व वाले सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ परिषद अब उस व्यक्ति को बचा रहे हैं जिसके